गरीब लड़की के सोने के बाल। बहुत समय पहले की बात है, मीरापुर नाम के एक छोटे से गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका दिखने में बहुत ही काली थी और उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से हर कोई राधिका का बहुत मजाक उड़ाता था। एक बार राधिका बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे देखकर दो लड़कियां आपस में कहती है, अरे वो देखो, काली टकली चुड़ैल जा रही है। सही कह रही है, अगर कोई इसे रात के अंधेरे में देख ले तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। पता नहीं, भगवान भी एक से बढ़कर एक नमूने बनाकर भेज देते हैं दुनिया में। ये सब सुनकर राधिका को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वो कॉलेज में भी हमेशा अकेले और सहमी सहमी ही रहा करती थी। एक दिन कॉलेज में मैम सभी बच्चों का प्रोजेक्ट देख रही थी। राधिका, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो मैम, जल्दबाजी में मैं प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं? तभी दूसरी लड़की कहती है, याद कैसे रहेगा मैम, बेचारी के सर पे बाल जो नहीं है इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। राधिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। राधिका के जीवन में सिर्फ इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि घर में उसके सौतेली माँ शीतल उसे चैन से जीने नहीं देती है। आइए महारानी, आइए, आपका इंतजार था। कॉलेज से कलेक्ट्री करके आ गई आप? काली मनहूस कहीं की, पूरे दिन कॉलेज का बहाना करके घर से गायब रहती है और घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। मैं घर का सारा काम करने के बाद ही तो कॉलेज जाती हूँ माँ। क्या बोली? अच्छा, तो अब तुम उसे जवान भी लड़ाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर राधिका को बहुत ही बुरा लगता है और रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है और रोते रोते सो जाती है। राधिका को घर का सारा काम करना पड़ता है और यहाँ गलती से भी काम में उसे कोई गलती हो जाती तो उसकी सौतेली माँ शीतल उसे खूब मारती है और उसके सिर के बचे हुए बाल को भी जोर से नोच लेती है। आह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए, कुछ ही तो बाल है मेरे सर में, वो भी झड़ जाएंगे, छोड़ दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो माँ। झड़ते हैं तो झड़ जाए मेरी बला से, मुझे उससे क्या, वैसे भी तो काली मनहूसी है, तेरे सर पर बाल रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, तेरी कौन सी बारात आने वाली है। वही शीतल की सगी बेटी सोनी बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी होती है, इसलिए उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी कोई नहीं है, तभी तो कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे फिदा है। सोनी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें राधिका पढ़ती थी। सोनी भी अपने दोस्तों के साथ राधिका का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, आज मेरी वो पागल टकली बहन फिर से कॉलेज आने वाली है, आज हम उसके पीछे एक पागल कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद राधिका कॉलेज आती है और देखती है सोनी कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर खड़ी है। क्या बात है, तुम सब लोग मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि कब से हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, काफी दिनों से हमने तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं की ना। क्यों दोस्तों, तो चलो अब शुरू हो जाओ, शेरू जा जरा राधिका को मजा चखा कर आ। ये बोलकर लड़कियां उस कुत्ते को राधिका के पीछे छोड़ देती है। कुत्ता राधिका का पीछा करने लगता है। राधिका बहुत तेज भागती है और भागते भागते जोर से गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। मरने दे, वैसे भी ये जीकर क्या ही कर लेती, अब चलो यहाँ से। वहाँ खड़ी किसी भी लड़कियों को राधिका पर जरा भी दया नहीं आई और वे सभी अपने अपने क्लासरूम में चली गईं। तभी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा, वो जल्दी से उसे उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। राधिका को थोड़ी देर बाद होश आया। डॉक्टर ने फिर राधिका से कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है,
क्या डॉक्टर साहब, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर राधिका को झटका सा लगा और वो रोने लगी। क्या अब क्या होगा डॉक्टर, क्या मैं और दिन नहीं जी पाऊंगी, बताइए ना डॉक्टर। तुम्हें जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें महीने का 50,000 रुपए देने होंगे। क्या 50,000 हर महीने, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। राधिका रोते हुए वहाँ से घर आ गई और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है। माँ आपको पता है मैं भी बहुत ही जल्दी आपके ही पास आने वाली हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों में राधिका पूरी तरह से गंजी हो गई। अब तो सब लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे अब तो तू पूरी तरह से गंजी होगी राधिका। इसके साथ अच्छा ही हुआ माँ, अब तो लोग इसे देखकर सच में ही इसे चुड़ैल समझेंगे। राधिका इस बार कुछ भी नहीं बोली और डरते हुए अपनी सौतेली माँ से पैसों की बात करती है और उन्हें अपनी बीमारी की बात बताती है। ये सुनकर शीतल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या क्या कहा, तुझे कैंसर है? कमीनी चल जल्दी निकल मेरे घर से, यहाँ रहेगी तो अपनी ये बीमारी हमें भी लगाएगी। अब निकल यहाँ से, भाग जल्दी, बाहर जाकर मर, समझी। इतना बोलकर शीतल ने धक्के मारकर राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी राधिका रोते रोते वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। इस जालिम दुनिया से तो जंगल ही बेहतर है, अब मैं मरूंगी भी तो इसी जंगल में, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी राधिका देखती है कि एक खरगोश जख्मी हालत में जंगल में दर्द से कराह रही है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या, ये खरगोश तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, मुझे कैसे भी करके इसकी मदद करनी ही होगी। इतना बोलकर राधिका ने उस खरगोश के पैर से तीर को निकाल दिया और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर खड़ी हो गई। राधिका ने प्यार से खरगोश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारे खरगोश जाओ और जाकर अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से बिताओ, मैं तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत अच्छे से पता है, खुश रहना मेरी दोस्त। इतना बोलकर राधिका रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ, वो खरगोश गायब हो गई और उसकी जगह एक खूबसूरत परी प्रकट हो गई। ये सब देखकर राधिका चौंक गई। अरे ये क्या, क्या ये कोई सपना है? आप कौन है और वो खरगोश कहाँ गई? राधिका मैं ही वो खरगोश हूँ, मैं तो बस खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद राधिका ने परी को अपने बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर परी ने कहा, राधिका तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत ही दुख भरी है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और हाँ अब से तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, अब से तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और राधिका के सर पर सुनहरे लंबे बाल आ जाते हैं। ये देखकर राधिका बहुत ही खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। वाह, मेरे सर पर भी बाल आ गए, वो भी इतने लंबे और सुनहरे बाल। इतना बोलकर राधिका खुशी खुशी जंगल से गांव में आ गई और गांव में ही अपना एक अलग घर लेकर उसमें रहने लगी। उसे देखकर गांव के जितने भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे देखना भी नहीं चाहते थे, वो अब राधिका के सुनहरे बाल के कायल हो गए और सभी राधिका के सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे राधिका, आखिर तुमने अपने बालों में ऐसा क्या लगाया जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सोने के हो गए, प्लीज मुझे भी बताना। मैं किसी ऐरे गहरे को अपना दोस्त नहीं बनाती हूँ, और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, भूल गई वो दिन जब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इधर राधिका के लंबे सोने के बालों की चर्चा पूरे गाँव में फैल गयी और ये बात उसकी सौतेली माँ और बहन सोनी को भी पता चल गयी। पता नहीं इस राधिका की बच्ची को कहाँ से सोने के बाल मिल गए हैं, अब तो जिसे देखो सब राधिका के ही गुणगान करते रहते हैं और सारे लड़के भी उसी के बालों के दीवाने हैं, अब तो मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना बोलकर सोनी राधिका के घर गई और उससे उसके सोने के बालों के बारे में पूछी और फिर राधिका ने उसे उस जंगल के परी के बारे में बता दिया कि वो सोने के बाल उसे जंगल की परी ने दिया है। ये सुनकर सोनी सीधा जंगल पहुंच गई
और जंगल में जंगल की परी की तलाश करने लगी। जंगल की परी, कहाँ हो आप? सामने आओ ना जंगल की परी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक जख्मी खरगोश दिखा जिसके पैर पर तीर लगा हुआ था और वो खरगोश दर्द से कराह रही थी। अरे जी क्या, ये खरगोश तो मरने ही वाली है। एक काम करती हूँ, इसे पूरा ही मार देती हूँ और इसकी आंखें ले लेती हूँ। इसकी आंखों की मुझे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। सोनी ने जैसे ही उस खरगोश को मारने की कोशिश की, वो खरगोश एक सुंदर परी में बदल गई और परी बोली, रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही दुष्ट और लालची हो। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे सोने के लंबे बाल चाहिए थे ना? अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे बाल झड़ जाए और तुम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और सोनी टकली और काली हो गई। ये क्या, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? सोनी रोते रोते वहाँ से घर आ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसने अब राधिका को परेशान करना भी बंद कर दिया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। इधर राधिका अपने सुनहरे बाल से सबको अपनी ओर आकर्षित करती और बहुत ही जल्दी उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है, रामगढ़ नामक गांव में अंकिता अपनी सौतेली माँ रामकली और अपनी सौतेली बहन पारुल के साथ रहती थी। अंकिता और पारुल दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। अंकिता पारुल से उम्र में बड़ी थी, परंतु अंकिता की हाइट छोटी होने के कारण वो छोटी दिखती थी और उसके पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अंकिता और पारुल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रामकली अंकिता के सौतेली होने के कारण उसे झाड़ू पोछा लगवाती और भी घर का सारा काम करवाती थी। रामकली अंकिता पर बहुत अत्याचार करती थी और उसके छोटे हाइट पर उसे ताने मारा करती थी। एक दिन अंकिता और पारुल स्कूल जाती है। वो दोनों अपनी क्लास के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है कि तभी पारुल की क्लास की कुछ शरारती लड़कियां आती है और हंसते हुए पारुल से कहती है, पारुल ये बोनी लड़की कौन है? दिखने में तो किसी गरीब घर की लग रही है। क्या तुम्हारे गाँव से कोई रिश्तेदार आया है? ये अंकिता है, ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। हम दोनों एक साथ बहुत मजे करते हैं और खेलती भी हैं। क्या ये तेरी बड़ी बहन है? ये तो हमसे भी बहुत छोटी है। क्या तेरी मम्मी ने इसे कॉम्प्लेन नहीं पिलाया? ये तो बच्ची है। हाँ तो इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के बारे में बोलने की? तुम मेरी दीदी को कुछ मत कहो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। अरे ये तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी, परंतु तुम तो सीरियस ही हो गई। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, अगली बार से मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक मत करना, समझी तुम? ऐसा कहकर वो दोनों अपनी अपनी क्लास में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अंकिता का सभी लोग उसकी हाइट को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो घर का काम खत्म करने के बाद अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लटकती थी और योगा भी करती थी, परंतु इससे उसकी हाइट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंकिता हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन पारुल के साथ एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अंकिता की बच्ची तू यहाँ एक्सरसाइज कर रही है और मैं तुझे कितनी देर से तुम दोनों को ढूंढने में लगी हूँ। पारुल मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस अंकिता की बच्ची के साथ मत रहा करो। चलो अब अपने कमरे में जाओ। और हाँ अंकिता, तेरे इस तरह लटकने से कुछ नहीं होगा, तू रहेगी तो हमेशा की तरह बोनी की बोनी ही। चल अब खड़ी क्या है, मुझे पकोड़े खाने का मन है, किचन में जाकर मेरे लिए पकोड़े बना। अंकिता चुपचाप अपनी माँ की बात सुनकर किचन में पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है। वो किचन में चाय बनाकर अपनी माँ के लिए पकोड़े बनाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी माँ के लिए चाय और पकोड़े तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। रामकली डाइनिंग टेबल पर बैठकर पकोड़े खाने लगती है, परंतु पकोड़ा में नमक ज्यादा होने के कारण वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और अंकिता से कहती है, ए बोनी लड़की, तूने पकोड़ा में इतना सारा नमक डाल दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक का डब्बा इसमें डाल दिया है। इतना नमक खाकर मेरी हड्डियां गल जाएंगी।
रामकली अंकिता को बहुत देर तक सुनाती है कि तभी वहाँ पारुल आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब बस भी करो माँ, पकौड़ों में थोड़ा सा नमक ज्यादा होने के कारण आप दीदी को कितनी देर से सुना रही हो, आपको तो बस दीदी को सुनाने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। तू चुप कर पारुल, इस अंकिता की बच्ची के साथ रह कर इसने तुझे भी अपने जैसा बना दिया, चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। पारुल वहाँ से उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। तभी रामकली अंकिता को बहुत मारती है। अंकिता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। रोते रोते उसे बहुत तेज नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी उसके सपने में उसकी मरी हुई माँ आती है और कहती है, सुनो अंकिता बेटा, मुझे पता है कि लोग तुम्हारी छोटी हाइट के कारण तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मारती भी है, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह उठकर नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के नीचे मैंने एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में गाड़ रखा है, तुम उसे निकालकर झरने के पास जाना। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ी दादी माँ मिलेंगी, तुम ये चमकता हुआ पत्थर उन्हें दे देना। वो तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक देंगी। सोने की फ्रॉक से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी और चांदी की फ्रॉक से तुम्हारे पास बहुत सारे धन दौलत आ जाएगी, जिससे तुम हंसी खुशी से रह सकती हो। अच्छा अंकिता बेटा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में देरी हो रही है। इतना कहकर अंकिता की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह अंकिता जब सुबह सोकर उठती है तो उसे रात का सपना याद आता है और वो तुरंत ही नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के पास पहुँच जाती है और खुदाई चालू कर देती है। थोड़ी देर खोदने के बाद अंकिता को वो चमकदार पत्थर मिल जाता है। अंकिता उस पत्थर को उठाकर झरने के पास पहुंच जाती है। अंकिता वहां बूढ़ी दादी को ढूंढी रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने बूढ़ी दादी प्रकट हो जाती है। आओ बेटी, मैं ही वो बूढ़ी दादी हूँ, जल्दी से मुझे वो चमकदार पत्थर दे दो, जिसकी मदद से मैं तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक दे दूंगी। अंकिता वो चमकदार पत्थर बूढ़ी दादी को दे देती है। बूढ़ी दादी अपने जादू से वहाँ 2 सोने और चांदी की फ्रॉक प्रकट कर देती है। अंकिता उनसे सोने और चांदी की वो दोनों फ्रॉक ले लेती है और दादी माँ को धन्यवाद बोलकर घर चली जाती है। अंकिता घर पहुंचकर जैसे ही वो सोने की फ्रॉक पहनती है, तभी अचानक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर अपनी बहन पारुल को बुलाती है। पारुल वहाँ आती है तो वो देखती है कि अंकिता पहले से लंबी हो गई है। ये देखकर पारुल को अपनी बहन के लिए खुशी होती है कि अब अंकिता को कोई भी बूनी कहकर नहीं चढ़ा पाएगा। फिर अंकिता पारुल को चांदी की फ्रॉक के बारे में बताती है। अंकिता खुश होकर अपनी बहन पारुल को वो चांदी की फ्रॉक दे देती है। पारुल जल्दी से वे चांदी की फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही पारुल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। उस दिन के बाद अंकिता और पारुल अपनी अपनी फ्रॉक से अपनी जरूरत की चीजें मांगा करती थी। जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से वे दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जब कभी भी दोनों बहनों से कक्षा में कोई सवाल पूछा जाता, वो दोनों बहन सबसे पहले उसका जवाब देती। ये देख स्कूल के सभी टीचर्स उनकी तारीफ करती थी, परंतु क्लास की वो लड़की रूबी, जिसने अंकिता के बोने होने का मजाक उड़ाया था, वो उसे इतना लंबा और खूबसूरत देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब दोनों बहनों के पास सोने और चांदी की फ्रॉक हो गई थी, जिस कारण वो बहुत खूबसूरत भी हो गई थी। ये सब रूबी से देखा नहीं जा रहा था कि उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्कूल की सभी लड़कियां उनसे बात करना भी पसंद करती थी और अब रूबी से कोई बात नहीं करता था। इसी तरह दोनों बहनें अंकिता और पारुल उन जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से गरीबों की मदद करना शुरू कर देती हैं। वो हर दिन सोने और चांदी के फ्रॉक से धन दौलत मांगती और उसका आधा हिस्सा गरीबों को दान कर देती।
धीरे धीरे जमीये बाद रामकली को पता चलती है कि पारुल और अंकिता के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक है। वो अंकिता को दिन रात डांटना भी बंद कर देती है और उसे बहुत प्यार से बातें करती है। अब अंकिता भी अपनी सौतेली माँ रामकली के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है, क्योंकि अब अंकिता और पारुल के पास जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत सारे पैसे आ गए थे। पैसा आने के बाद वो एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और रामकली भी उनके साथ उनके घर में रहने लगती है और उन्हें रोजाना अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगती है और दोनों को एक जैसा ही प्यार करती है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।